रायगढ़ के लेलुंगा तहसील के अंतर्गत ग्राम सलखिया निवासी सुधांशु पांडा ने सरपंच सहित कुछ ग्रामीणों पर निर्माणाधीन आवास को तोड़ने का आरोप लगाया। इस संबंध में एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति मिली है, जिसके लिए प्रथम किस्त की राशि 48,000 मिल भी गई। और सुधांशु पांडा ने बताया कि उनके द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत से अब तक कराए गए मकान निर्माण जो कि ढलाई की स्थिति में आ गया था, उसे सरपंच एवं उनके अन्य 24 साथियों ने मिलकर तोड़ दिया है। और इसके लिए उनके द्वारा पुलिस से भी फोन किया गया, पुलिस लम्ब से पहुंची तब तक उनके निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया गया, यहां तक कि उस प्लॉट में स्थित 7 नंग सागौन की भी काट कर ले गए। उसको आपसी रंजिश है, सरपंच 10,000 रुपये मांगने के लिए भेजा सेताराम को, इंद्रावास जो निकलता है उससे उन लोग पैसा लेते हैं, तो हमारे पास सेताराम को भेजा मांगने के लिए तो हम नहीं दिए, लेकर के उसको तोड़ दिया गया। तो कौन 10,000 रुपये मांगा था आपसे? ये सरपंच। क्या नाम है सरपंच? हरे पाइकरा। किस चीज के लिए 10,000 रुपये? 10,000 कमीशन मांगा था।